नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन स्टूडियो टारगेट विथालोक में। इंडियन पॉलिटी के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। हॉलीडेज में हम इस तरह के प्रश्नों को, जो सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएसआई के एग्जाम को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, सुपर टेट का हो, यूपी टेट का हो, कि आरओएआरओ का हो, किसी भी एग्जाम के लिए है, तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों के साथ हम आए। तो आइए इस बेहतरीन सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है, यानी दल बदल विरोधी कानून के बारे में ये पूछा जा रहा है, जिसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सही नहीं है। एक सांसद या विधायक अनहर ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छा पूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित था, किसी सदन में विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्हा ठहराया जाएगा, किसी सदस्य को अनर्हा नहीं ठहराया जाएगा। यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है, लोकसभा के सभापति को अनहर नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य। अनहर का मतलब होता है डिस्क्वालिफाई। ठीक है, क्या सही नहीं है? तो ये तीसरा सही नहीं है, सदस्य को अयोग्य आप नहीं ठहरा सकते हैं यदि राजनीतिक दलों का समावेश, यानी क्या करते हैं, वो कोलैबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, ये क्या कर ले, किसी दल के साथ जब अपना गठबंधन कर लेती है और उस दल के गठबंधन के कारण वो उस दल में आ जाते हैं सदस्य, तो उस आधार पर कोई व्यक्ति क्या है, अयोग्य नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कौन सी एक याचिका, यानी ये रिट की बात कर रहे हैं बेटा, कौन सी एक याचिका जो है वह अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। ठीक है, मींस जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उस सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के कार्यों की, उनकी वर्किंग को कौन क्या करता है, परीक्षण करता है, कौन चेकआउट करता है, वो कौन सी रिट है? तो इसका सही आंसर क्या है, उत्प्रेषण। क्या बेटा, उत्प्रेषण याचिका के माध्यम से इसको शॉर्ट आउट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, मींस ये क्या है, रीजन और एसर्शन से, यानी कथन और कारण से दिए गए हैं कि क्या जो कथन है वो सत्य है या जो कारण है वो कथन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए, कथन है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। बताइए, दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहां पर पहला है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, आदर्श आचार संहिता को संसद ने बनाया था, अधिनियमित भी बनाया, आदर्श आचार संहिता जो होती है बेटा ये संसद द्वारा नहीं बनाई जाती है, इसका जो है ये चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये आदर्श आचार संहिता। ठीक है, तो इसका ए सत्य है लेकिन आर जो है वह असत्य है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे से आप करिएगा, आपको हर परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी संवैधानिक आयोग है या संवैधानिक जो है संस्थाएं हैं? तो देखिए, कोई संस्था संवैधानिक है या नहीं है इसको जानने का एक फंडा यह है कि ऐसी संस्थाएं जिनके गठन के संबंध में, जिनके स्थापना के संबंध में यदि संविधान में कहीं कोई प्रावधान है तो वह सभी संस्थाएं क्या है, संवैधानिक संस्था है, और यदि वह संस्था संवैधानिक संस्था है, अन्यथा इसके अतिरिक्त जितनी संस्थाएं वो सभी क्या है, गैर संवैधानिक। ठीक है, अब बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, बताइए। ठीक है, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का भी दिया गया है, वित्त आयोग 280 में है, पंचायत दिया गया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में कहीं नहीं दिया गया है। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, जैसे डीएम जो होता है, ये क्या होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिले का, तो इसके संबंध में संविधान में कहीं नहीं है, चुनाव आयुक्त के संबंध में है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को।
चुनाव आयुक्त के संबंध में है, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में कहीं कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। तो निम्न में से कौन सी होंगी, एक, दो और चार, ठीक है। इस तरह के बारीक प्रश्न जो है आप समझा करिए, तब आंसर किया करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पहला लोकपाल बिल कब आया था, पहला जो लोकपाल बिल था वो कब लाया गया था, बताइए, ये कब आया था, 1968 में। आगे चलिए, छठा प्रश्न देखिए, अधिकारियों पर विचार करिए, इनका अग्रतर सीनियरिटी क्रम जो है वो कैसा होगा, कौन किस आधार पर, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत की मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो चल देखिए, सबसे ऊपर कौन आता है, देखिए तो सबसे मतलब सबसे नीचे से ऊपर चलना है आपको, ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले कौन आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले नंबर पे आएंगे ये, ठीक है। दूसरे पर संघीय मंत्रिमंडल आएंगे, तीसरे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और ये आएंगे चौथे पर, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सबसे पहले है, तो इनको आप ऐसे उलट दीजिए, पलट दीजिए अब, ठीक है। तो पलटेंगे तो पहले पे कौन आ रहा है, चार, तीन, दो और एक, है ना। तो ये इसका सही वरीयता क्रम क्या होगा, सबसे पहले वरीयता क्रम में मुख्य न्यायाधीश, फिर उनके नीचे संघीय मंत्रिमंडल, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उनके नीचे जो होते हैं वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। आगे चलिए, सातवां प्रश्न, सूचना का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, दोनों है, ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। तो सूचना का अधिकार स्पष्ट रूप से क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत यदि देखें आप, तो 19(1)(k) के अंतर्गत ये एक मूल अधिकार भी आता है, राइट टू नो, जानने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो किस अधिकार के अंतर्गत, 19(1)(k) के अंतर्गत। और एक विधिक अधिकार भी है, विधिक क्यों है, क्योंकि इसके संबंध में कौन सा एक्ट बना है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इसके अंतर्गत ये कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है, इसका सही आंसर क्या है, सी। आठवां, आइए, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट, नौवां, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है, ठीक है, बताइए, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, उपरोक्त में से सभी, ये सभी कार्य हैं, ठीक है। भारत का योजना आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था है, राजनैतिक संस्था है, गैर अर्ध राजनैतिक संस्था, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था, क्योंकि इसके संबंध में कहीं कोई उपबंध संविधान में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, 8वीं अनुसूची में टोटल मान्य भाषाएं कितनी हैं, मान्य भाषाएं 22 हैं, तो कौन सी नहीं है, भोजपुरी भाषा जो है वो नहीं, उर्दू, नेपाली, कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी भाषा 22वीं भाषा में से कोई भाषा नहीं। संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए, भारत का मुख्य न्यायाधीश भाग लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत का महान्यायवादी है ना, ये भले ही संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य ना होते हुए भी इसे क्या है, सदन की कार्यवाहियों में शामिल होने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही कि कौन जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है, तो IAS आती है, ठीक है, IAS आती है, IPS आता है, IFS आता है, लेकिन इंडियन आर्थिक सेवा, भारतीय
आर्थिक सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती। सेवाएं तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है, तीन प्रकार की होती है राज्य के अधीन सेवा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, 14वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, बताइए कौन सा कर्तव्य है? तो वो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम को नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। सीएजी के बारे में कहां दिया गया है? 148 से लेकर 152 तक दिया गया है। जो सीएजी होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करता है। सीएजी जो होता है यह लोक लेखाओं का, जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, इनका रक्षक कहा जाता है, ठीक है। 15 नंबर देखिए, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी, यानी राज्य केंद्र और राज्य के बीच यदि कोई जो है वित्तीय विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जब हम पढ़े हैं तब उसमें हमने क्षेत्राधिकार देखा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, है ना। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यदि राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है बेटा। 16 नंबर, निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें, ये कुछ कार्य हैं, इन पर आप विचार करिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निदेशन तथा संचालन, संसद राज्यों की विधायिका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। उपरोक्त में से भारत के चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, बताइए कौन कौन से कार्य हैं? तो केवल विवादों का निपटारा नहीं करता है ये, है ना, क्योंकि विवादों का निपटारा करने का अधिकारिता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है। ये 1, 2, 3 ये तीनों कार्य हैं निर्वाचन आयोग के, ठीक है। निर्वाचन आयोग के संबंध में अनुच्छेद 324 से 329 तक प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ये तीनों कार्य हैं निर्वाचन आयोग के, लेकिन ये चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास नहीं। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? तो इसके जो है स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं? तीन स्टेटमेंट सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं और वार्ड में रहने वाले दो व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। अगला 18वां नंबर देखिए, कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सी समिति है जो पंचायत राज व्यवस्था से समिति संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव से संबंधित है, चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो ये जो है क्या है इससे नहीं है जुड़ी हुई। नेक्स्ट, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। सीस का सही नहीं है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें माल एवं सेवा का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। अगला चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है, उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है बताइए। द्विपक्षीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, क्या सही नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये सही नहीं है, ठीक है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति, यहां पर न्यायाधीश नहीं, यहां राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक, ये सही नहीं, राज्यपाल नहीं करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है 21 नंबर देखिए,
उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसकी पूर्व अनुमति से कर सकता है बताइए, किसकी? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। दिल्ली के अतिरिक्त भी यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी स्थान पर सुनवाई करना तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? ठीक है, जो इंडिपेंडेंस की बात आप करते हैं उसके संबंध में क्या प्रावधान है, इसका आंसर करना है हमको। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, और भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के उपरांत करनी पड़ती है। तो इसमें केवल 1 और 3 सही है, ये और ये सही है, अतिरिक्त कोई नहीं सही है। ठीक है, क्या प्रावधान, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, 23 नंबर देखिए, कथनों पर विचार करना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत की संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किया गया है। ठीक है, दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 स्वतंत्र राज्य, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एक हरी है। नेक्स्ट, भारत तथा संयुक्त राज्य में कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है बस। ठीक है, यहां पर एक गहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं, यहां दोहरी नागरिकता है, और देशीकरण जो है उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो केवल एक सही है बस। निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। 7 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 में है माफ कीजिएगा, तेलंगाना और बिहार बस। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, उत्तराखंड में नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो वह तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी नहीं है, प्रस्तावित है ना। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहां है? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। ठीक है, 27, निम्नलिखित किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? यदि राज्यपाल कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उस ऑर्डिनेंस को कितने समय के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए बताइए, कौन अनुमोदित करेगा? राज्य की विधायिका। ठीक है, यानी राज्यपाल ऑर्डिनेंस किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? 213 के अंतर्गत। कब करता है? जब दोनों सदन सत्र में ना हो, और जिस राज्य में एक सदन हो वहां पर वो सदन सत्र में ना हो और कानून बनाना आवश्यक हो। ठीक है, तब राज्यपाल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है, और जब सदन सत्र में आते हैं तो सत्र में आने से 6 सप्ताह के अंदर यदि सदन इसको अप्रूव कर देते हैं ऑर्डिनेंस को, तो ये क्या हो जाता है? कानून बन जाता है, तो राज्य की विधायिका द्वारा। ठीक, अगला लिखिए, देखिए 28 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक के रह सकती है? यानी राज्यसभा और लोकसभा की तुलना करें तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा कमजोर है। कैसे? कि यदि कोई विधेयक, धन विधेयक जो है वह लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा को दे दिया गया है तो राज्यसभा अधिकतम उसे 14 दिन तक रोक सकती है, और यदि 14 दिन में अपनी सहमति नहीं दी तो 14 दिन के अंदर ये क्या होगा? ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 28 का ए होगा। ठीक है, अधिकतम 14 दिन तक रोक कर रख सकती है राज्यसभा धन विधेयक को, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपर्युक्त कथन जो है वो किस आर्टिकल का है? तो ये है 48A का। ठीक है,
21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए, 56 राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी 29 का। नेक्स्ट है 30 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि किन किन व्यक्तियों ने इस पद को, उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है, तो इसका आंसर आपको देना है कौन कौन सा है, 1 और 4 यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब जो है, इन्होंने ही केवल उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है। नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट बने थे राष्ट्रपति और फखरुद्दीन अली अहमद भी। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संबंध में सही नहीं है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नो। ठीक है, भले ही जो है वह क्या है, राष्ट्रपति का पद जो है चुनाव प्रकरण का निर्वाचक मंडल जो है वो अपूर्ण हो, लेकिन निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा, उसका चुनाव चलता रहेगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है संचालित। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है कौन कौन संसद के अधिकारी, तो संसद के अंतर्गत कौन क्या क्या आता है बेटा, लोकसभा आती है संसद के अंतर्गत और राज्यसभा आती है, तो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और लोक राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष का मतलब राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, ये सभी चारों जो है संसद के अधिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। 34 नंबर, देखिए भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है, बताइए भारत की संसद जो है ये सरकार से स्वतंत्र होता है, या भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है, इस सरकार के अधीन यही होता है। 35, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं, संविधानेतर मीन संविधान से इतर, इनसे जिनका संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल का सम्मेलन, आंचलिक परिषदें, अंतरराज्यीय परिषद तो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो 1, 2, 3 है ना, ये एनडीसी, एनडीसी आप जानते होंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राज्यपालों का सम्मेलन होता है, जोनल जो है काउंसिल्स होती है, ये सभी जो है संविधानेतर संस्थाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर, सरकारी आयोग किसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था, तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की चर्चा के लिए आज जस्टिस आर.एस. सरकारिया के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। कथन और कारण से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, इसको भी देखिए आप, बताइए इसका आंसर करिएगा। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, विविधताओं के समंजन में एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ, तो कौन सा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, कारण कथन और कारण दोनों देखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कथन और कारण दोनों सत्य है, यानी इसका जो है संघात्मक संरचना का उद्देश्य क्या था, राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, विविधताओं के समंजन यानी विविधता होते हुए भी एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ, हम विविधता में भी एकता का उदाहरण देते हैं। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं, यानी हम विविधता में होते हुए भी एक हैं। ठीक है, तो इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या जो है नहीं है। ठीक है, बताइए इसका, तो इसका सही आंसर क्या होगा 37 का बेटा, बी। 38 नंबर, देखिए भारत का संविधान भारत को कैसा घोषित करता है, स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह या एक संघ, भारत क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, एक संघ है, किसका, राज्यों का एक संघ है, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, राज्यों का संघ है,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका किसके अधीन रहती है? विधान पालिका, विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 40 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी है? न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी है बताइए? 60 और 600। भारत के संविधान की 36 से 51 तक की अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, उन धाराओं की पहचान करें जिनमें गांधी जी के सिद्धांत समाहित है। जब हम 40, 47 और 48 ये है, जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों पढ़ते हैं तो उनमें तीन विचारधाराएं मिलती हैं, गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी। गांधीवादी विचारधारा का अर्थ है ऐसे सिद्धांत जिन्हें गांधी जी ने अपनी आजादी के दौरान जो लड़ाई लड़ी थी उनको, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जिन सिद्धांतों को समाहित किया गया वही गांधीवादी विचारधारा कहलाया या गांधीवादी सोच कहलाई। भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की बात करता है? ठीक है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन देता है? 16(1) और 16(2) देता है। ठीक है, अवसर की समानता की बात करता है। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष कम से कम रहने होंगे, तभी आप पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है बताइए? कहां से दी जाती है? तो ये दी जाती है भारत की संचित निधि से। सेवानिवृत्त है, यदि कार्यरत रहेंगे हाईकोर्ट के जज तो उनका जो वेतन होगा वो राज्य की संचित निधि से, और यदि वो रिटायर हो गए तो उनका पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि का प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 266 में। और आकस्मिक निधि का प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 267 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 45 नंबर, भारतीय संघ के सह राज्यों के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था? कौन सा राज्य था जो पहली बार पहला प्रवेश पाया था? वो था सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है कि कौन किस पार्ट में दिया गया है? ठीक है, नागरिकता कहां है? भाग 2 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4(a) में। आपातकाल कहां दिया गया है? 15 में, है ना, आपातकाल 18 में दिया गया, सॉरी। ठीक है, और निर्वाचन 14 में। ठीक है, तो इसका मिला लीजिए आंसर कौन सा होगा? पहला, 3-4-1, 3-4-2-1। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान में प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। धार्मिक न्याय की बात हम नहीं करते क्योंकि हम क्या है? धर्म निरपेक्ष है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान उदार वस्तुओं से भरा थैला है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र भी सीमित है और भारतीय संविधान उदार से भरा थैला है, ये दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करेगा तब व्याख्या सही मानी जाएगी, जब जस्टिफाई नहीं करेगा तो व्याख्या सही नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ संविधान में राज्यों का संघ, यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसकी संकल्पना को कहां से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट है 50 नंबर, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसकी अध्यक्ष। ठीक है, तो इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमारी आपसे मुलाकात यूं ही चलती रहेगी। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल।